वैसे मैंने आपके साथ में बहुत सारी पनीर की रेसिपी शेयर कर रखी है, बट आज शेयर करने वाली हूँ पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी। बिल्कुल यूनिक है एंड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड जैसे ढाबा और रेस्टोरेंट में बनता है, बिल्कुल वो वाला सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। एंड अगर आप एक बार मेरी तरीके से पनीर टिक्का मसाला को बना लोगे तो आप बिल्कुल इसके फैन हो जाओगे, आप बार बार ऐसे ही बनाना पसंद करोगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या और आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो रेसिपी को एंड तक वॉच करिए, रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सो पनीर टिक्का मसाला को बनाने के लिए यहाँ पर पहले पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बॉल लिया है और इसमें ऐड करी हूँ दही। तो आपको यहाँ पर ताज़ी दही का यूज़ करना है, खट्टी दही का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड नेक्स्ट ऐड करी हूँ भुना हुआ बेसन। सो आप चाहो तो बिना भुना हुआ भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँ कि भून कर यूज़ करना, टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतर आएगा। और साथ में ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहो तो बिल्कुल बारीक ग्रेट करके या फिर कट करके भी ऐड कर सकते हो। एंड सभी चीज़ों का मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लिया है, सो एक बार आप ज़रूर से चेक करना। एंड नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ थोड़े से मसाले। सो यहाँ पर मैंने लिया है नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, जीरा का पाउडर और साथ में अजवाइन ऐड किया है। एंड साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया है काले मिर्च का पाउडर, जिसे कि गोलकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, तो रोस्ट करके ऐड करना है, और लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। तो सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम चटपटा सा। जो इसमें दही है, लेमन जूस है, चाट मसाला, बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस कर रहा है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पनीर क्यूब्स। आप चाहो तो यहाँ पर मशरूम ऐड कर सकते हो, आलू ऐड कर सकते हो, एंड चिकन बना रहे हो तो चिकन ऐड कर सकते हो। और साथ में ऐड कर रही हूँ थोड़े से कटी हुई सब्जियाँ, जिसमें मैंने यहाँ पर लिया ग्रीन शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। तो बस सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। एंड मिक्स करने के बाद हाफ आवर के लिए रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, मतलब जल्दी जल्दी बनाना है, तो आप मिनिमम 10-12 मिनट्स के लिए तो ज़रूर से रखना, तभी सब्जियों में और पनीर में बिल्कुल अंदर तक फ्लेवर आएगा। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है पैन और इसमें ऐड करी हूँ 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। एंड जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो ऐड करेंगे यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ सब्जियाँ और पनीर। मैंने यहाँ पर हाफ आवर के लिए रखा था। सो 4-5 मिनट्स के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका तेल बिल्कुल अच्छा खासा सेपरेट हो जाए, तभी हमारा जो पनीर टिक्का मसाला है उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट और लुक दोनों आएगा। तो फाइनली आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से भून चुका है, तो इसे फिलहाल साइड में रखेंगे। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक दूसरी कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। अप्रॉक्स 3 से 3.5 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पर ऐड किया है। एंड जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और साथ में ही हींग। तो बहुत लोग हींग नहीं ऐड करते हैं, बट मैं आपको बताऊंगी कि हींग से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में या फिर कोई भी ग्रेवी में, तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से ऐड करना। एंड नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर कम यूज़ करना है, क्योंकि हम क्यूब्स भी यूज़ करने वाले हैं, और साथ में ही बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन। यहाँ पर पेस्ट नहीं यूज़ किया है मैंने, आप चाहो तो पेस्ट यूज़ कर सकते हो। तो सभी चीज़ों को हम भून लेंगे कच्चापन निकलने तक। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टोमेटो प्यूरे। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर को ग्राइंडर जार में पीस लिया है, आप चाहो तो बिल्कुल बारीक कट करके भी ऐड कर सकती हो, मतलब जो टमाटर उसे कम्प्लीटली हमें सॉफ्ट कर देना है। और साथ में ऐड कर रही हूँ थोड़े से स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तो सभी चीज़ों को भूनेंगे अब कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। तो देख सकते हो तेल रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। सो इस चीज़ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 हरे मिर्च, जैसे कि मैंने लंबा लंबा कट कर दिया है, आप बारीक कट करके भी ऐड कर सकती हो। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1 कप इतना पानी, तो जिस ग्राइंडर जार में मैंने टमाटर को पीसा था उसमें ही ऐड करके मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर ऐड करेंगे भुना हुआ पनीर, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च, और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों में जब एक अच्छा सा उबाल आ जाए तो यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और साथ में 1/2 छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम गरम मसाला, और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एंड 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। एंड बस फ्लेम को करेंगे ऑफ और स्प्रिंकल करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। एंड आप पनीर टिक्का मसाला का जो कंसिस्टेंसी है, मतलब ग्रेवी की, अपने हिसाब से थिक या फिर थिन रख सकते हो। एंड बस सर्व करेंगे रोटी, चपाती, चावल, पुलाव, कुछ के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा। सो मेरे फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना, एंड आपकी रेसिपी कैसी बनी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। एंड चैनल पर ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी ट्राई कर सकें। सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक ऐसे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।